हाय गाइस, मैं हूं निखिल और डेलन टॉप के न्यूज़ रूम में मेरे साथ हैं प्रतीक्षा। मैं लेस्बियन हूं। टेक्निकली सेंटेंस में कोई गड़बड़ नहीं है, बस इससे इतना ये बात मालूम चलती है कि दो इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनका इंक्लिनेशन मालूम चलता है। और एक टर्म इस्तेमाल हुई है तो उससे हम ये समझ लेते हैं कि ये दोनों इंसान लड़कियाँ हैं। बावजूद इसके जिस तरह की सोसाइटी में हम रहते हैं, जैसे देश में हम रहते हैं, जिस समय में हम हैं, इस वाक्य से बहुत सारी शेम एसोसिएट की जाती है। और ऐसे माहौल में कोलकाता के एक स्कूल में 10 फीमेल स्टूडेंट्स पे इस बात का दबाव डाला गया कि वो लिख कर एक कन्फेशन अपने हेडमिस्ट्रेस को दें कि वो लेस्बियंस हैं, और कहा ये गया कि ये कवायद इन लड़कियों को डिसिप्लिन करने की एक कोशिश थी। तो स्कूल में कोई रिमोर्स नज़र नहीं आया, और जब इस पर हंगामा हुआ तो फिर बाद में पेरेंट्स वहाँ पे गए। और इस पूरे वाक्य में सिर्फ एक चीज़ जो थोड़ी आप ये कहिए कि राहत देने वाली थी, कि इन लड़कियों के पेरेंट्स ने इस हैरेसमेंट को टॉलरेट नहीं किया। उन्होंने स्कूल से कहा कि ये बिल्कुल गलत है, और वो सारी सारी जो टेस्टिमनीज थी वो अपनी बेटियों की वापस लेके आ गए। तो कहने को तो ये खबर थी, जो हुआ वो हमने बता दिया। तो पीपी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह की जब घटनाएँ होती हैं तो हमें उन्हें कैसे देखना चाहिए? देखिए, मैं भी एक गर्ल्स स्कूल से रही हूँ, वहाँ भी हमने बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे लड़कियों के बीच बहुत कंफर्टेबल नहीं है लेस्बियनिज्म को लेके। मुझे नहीं पता कि अब कैसा माहौल है, पर आज से 10-12 साल पहले ऐसा था कि कभी कोई लड़की किसी लड़की के, बहुत वैसे तो लड़कियाँ एक दूसरे के गले लगती हैं और कभी कभी गालों पे किस कर लेती हैं, पर कभी अगर उससे भी ज़्यादा क्लोज या इंटीमेट नज़र आई तो उनको दूसरी लड़कियाँ सच लेस्बोज या चीप लेस्बोज, लेस्बो इस तरह का टर्म जो कि एक डेरोगेटरी तरीके से इस्तेमाल करती हैं उनके लिए, तो ये मोर और लेस गाली। और यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात जो आपने खबर की बताई, उसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि लड़कियों को सुधारने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया गया है ना। जैसे जैसे हाथ पे लिखना कि मेरा बाप चोर है, है ना, ये एक तरह की सज़ा हो गई। या फिर मुझसे 10 बार लिखवाया गया कि मैं चोर हूँ या मैं एक बुरी व्यक्ति हूँ, ये सज़ा हो गई। तो क्या लेस्बियनिज्म इतना बुरा है कि आपसे लिख के लिया जा रहा है, लिखवाया जाए और इस बात पे इतना हंगामा हो कि मैं लेस्बियन हूँ लिखवाया, तो आपने उसे हरासमेंट की श्रेणी में काउंट किया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हरासमेंट नहीं है, ये बिल्कुल है, क्योंकि आप किसी से कैसे फोर्सफुली कहलवा सकते हैं कि ये मेरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। प्राइवेट बात है ना, मैं किस की तरफ इंक्लाइंड हूँ, किससे प्यार करता हूँ, किससे नहीं करता हूँ, तो मेरा निजी मामला है। अगर मान लीजिए मैं लेस्बियन हूँ और मुझसे कोई लिखवाए जबरन कि मैं स्ट्रेट हूँ, तो मेरे लिए वो भी हरासमेंट है, आप मेरे साथ ये नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा मॉरल और बहुत ज़्यादा एक तरह से लड़कियों को और सेक्सुअलिटी से कि वो किसी तरह, क्योंकि स्कूल ही वो समय होता है 13-14-15 साल, उस उम्र में जब बच्चे डिस्कवर, बच्चे नहीं कहना चाहिए उनको, यंग एडल्ट्स डिस्कवर कर रहे होते हैं कि उनकी सेक्सुअलिटी क्या है, वो किस तरफ इंक्लाइंड है, उनको क्या चीज़ एक्साइट करती है। जैसे मुझे याद आ रहा है कि एक नेटफ्लिक्स पे मैंने एक अभी सीरीज़ देखी जिसका टाइटल था एवरीथिंग सक्स। तो छोटी सी सीरीज़ है, छोटे छोटे एपिसोड्स हैं, 10 एपिसोड की सीरीज़ है, बिंज वॉच करेंगे तो निपट जाएगा कुछ घंटों में। उसमें एक स्कूल का सेटअप है, और क्योंकि वहाँ अमेरिका में बच्चे या एडल्ट सेक्सुअलिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं और कंपैरेटिवली ओपन हैं, तो उसमें एक लड़का है, वो एक लड़की को प्रपोज करता है, स्कूल के बच्चे हैं ये, और लड़की मान जाती है, और लेकिन वो जब लड़का उसको बार बार किस करने की कोशिश करता है तो लड़की हमेशा पीछे हट जाती है, और एक दिन वो रियलाइज़ करती है कि वो जो टर्न ऑन होती है वो गर्ल्स मैगजीन पढ़ के होती है, तो वो लेस्बियन है। तो ये दौर है जब बच्चे या यंग एडल्ट्स अपनी सेक्सुअलिटी को डिस्कवर कर रहे होते हैं, तो ऐसे दौर में, और ये जो है मॉरली बहुत बड़ा खतरा नज़र आता है पेरेंट्स हों या टीचर्स हों उनको, कि अगर ये अपनी सेक्सुअलिटी डिस्कवर कर लेंगे तो ये किसी गलत रास्ते पे चले जाएंगे। तो शायद इसीलिए उनको उनके फ्रीडम को कर्ब करने के लिए, उसे रेगुलेट करने के लिए इस तरह की हरकत। लेकिन तरीका बड़ा मतलब अजीब है, क्योंकि अब ये हुआ कि अब इन ये स्टूडेंट्स का इंक्लाइंड किस तरफ था ये तो हम नहीं बता सकते हैं, है ना, इन 100 फीमेल स्टूडेंट्स का, लेकिन अब वो हमेशा लेस्बियन और इस और ये जो पूरा वाक्य है उसको एक ट्रॉमा की तरह याद रखने वाले हैं, और क्या मालूम कि वो खुद आगे जाके कुछ डिस्कवर करते हैं उसमें ये चीज़ रुकावट बन जाए। तो आई गेस ये जिस तरह से हुआ है वो तो कम से कम बहुत गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ लेस्बियनिज्म ही नहीं, जब गर्ल्स स्कूल में लड़कियां एक दूसरे से सीख रही होती हैं
और मुझे याद है कि हमें भी स्कूल में बताया जाता था कि इस एक तरीके से बैठो और जोर से मत चलो, जोर से मत बोलो, पैर घिसट कर मत चलो, पैर चिपका के बैठो, बाल अपने अच्छे से बांधो, लटे नहीं बाहर आनी चाहिए बाल से। तो ये सब चीज़ें जो है लड़कियों की बॉडी फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कि वो किसी भी तरह एक सेक्शुअल बीइंग ना लगे कोशिश करते हैं। और केवल लेस्बियनिज्म ही नहीं, उनके ड्रेसिंग को भी एक तरह से बनाने की कोशिश की जाती है जो वो कोट अनकोट लेडी लाइक दिखे। तो अगर लड़कियां, किसी लड़की की अगर भारी आवाज़ है या कोई लड़की की चाल अगर वो चौड़े कंधे हैं या वो चौड़ में चलती है तो, या वो केवल शूज़ पहनती है, तो उसको लेके भी बहुत ज़्यादा उस एज में मुझे लगता है हम लोग बातें बनाया करते थे कि ये तो मर्द है या ये तो मर्दाना है। तो इस तरह की चीज़ें आई थिंक तो ये बचपन से हमारे दिमाग में, हमारी फैमिलीज़ के दिमाग में जो है भरी गई हैं। जहाँ तक लेस्बियनिज्म का परसेप्शन है दुनिया में, वो बहुत ज़्यादा, और वो डेरोगेटरी क्यों हो जाता है, बिकॉज लेस्बियन जो है वो हमारे समाज में या पॉपुलर कल्चर में यूँ कहें सिर्फ एक पॉर्न कैटेगरी की तरह रहता है। तो हाउ, अगर हम जब भी अपने दिमाग में गे या लेस्बियन बोलते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में यही आती है कि दो, एक औरत या औरत साथ में या एक पुरुष और पुरुष साथ में, और ज़रूर सेक्स कर रहे हैं। सेक्स के अलावा कोई इमेज ही नहीं आती है। गेज और लेस्बियंस को हम उनकी सेक्सुअल आइडेंटिटी से हटकर देख ही नहीं पाते, है ना। अगर मैं बोलूँ कि मैं आपका नाम लूँ, है ना, तो मुझे पता होगा कि हाँ ये एक जर्नलिस्ट है, ये यहाँ काम करते हैं, इनके ये इंटरेस्ट हैं, इनके ये डिसइंटरेस्ट हैं। लेकिन इसकी जगह अगर मैं किसी गे पुरुष या एक लेस्बियन औरत की बात करूँ, तो उनके बारे में बात करते हुए हम उनकी दूसरी पूरी क्वालिफिकेशंस को ही रिजेक्ट कर देते हैं कि वो स्कॉलर हैं या वो नहीं है, या वो सिंगर हैं, या वो पेंटर हैं, वो लाइफ में क्या कर रहे हैं, कुछ भी मैटर नहीं करता। सिर्फ इतना मैटर करता है कि वो लेस्बियन है या गे है। तो लेस्बियन या गे होना हमारे लिए बड़ा एक पॉन कैटेगरी की तरह रह गया, जिसमें भी बड़ी ज़्यादा समस्याएं हैं, क्योंकि जो लेस्बियंस का रिप्रेजेंटेशन है समाज में वो काफ़ी गलत है। जितना भी हम लेस्बियनिज्म हमें पॉन के थ्रू देखने को मिलता है, वो बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक है। मुझे याद है एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें लेस्बियंस लेस्बियन पॉन को देख के रिएक्ट कर रही थी, रियल लाइफ लेस्बियंस, एंड देवर शॉक्ड कि हम तो ऐसे होते ही नहीं हैं, हम ऐसा नहीं होता कि हम इतने ज़्यादा सेक्स टॉयज यूज़ कर रहे हों, या एंड देवर इवन शॉक्ड कि जो लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स थे उनको देख के, कि देवर शॉक्ड कि हाउ कैन दे हैव सच बिग वजाइनस, बिकॉज बड़ी सारी लेस्बियंस होती हैं जो बहुत अर्ली एज में डिस्कवर कर लेती हैं कि वो लेस्बियंस हैं। तो वो लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि वो पेनिट्रेटिव सेक्स करती ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पसंद ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी लेस्बियंस जिनको, क्योंकि जो सेंसेशन है या जो ऑर्गेजम्स है वो उसके लिए वजाइना के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होती, दे कैन बायोलॉजिकली अचीव इट। तो ये एक तरह का मिसरिप्रेजेंटेशन है कि लेस्बियनिज्म जितना भी दिखाया जाता है वो लेस्बियंस को केटर नहीं करता है, वो असल में स्ट्रेट मैन को केटर करता है। तो ऑफकोर्स इस तरह की मिसकंसेप्शन बने हुए हैं, और इसी माहौल की वजह से वो जो कन्फेशंस लिखवाए गए थे वो इतने प्रॉब्लमेटिक हैं। बिल्कुल, और यही हमारा मकसद था इस वीडियो को करने का, कि लोग इस बात को समझें कि ये स्कूल में कोई शैतानी हुई और आपसे एक एप्लीकेशन लिखवा के सॉरी बुलवाया, ये वैसा मामला नहीं है, ये हैरेसमेंट का केस है। अगर आपके या आपके जानने वालों के साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इस पर चुप मत बैठिए, रिएक्ट कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो आप अपनी पूरी कहानी talentopmail@gmail.com पर हमें लिख के भेज सकते हैं, हम उसे अपने प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुँचाएँगे। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और इस तरह के और वीडियोस अगर आप हमारे YouTube चैनल पर देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।